हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि आप AI टूल की मदद से अपने इमेज के स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हो। तो स्टाइल चेंज करने का मतलब यह है कि आप किसी इमेज को इलस्ट्रेशन में कैसे बदल सकते हो, या फिर कार्टून फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हो, या फिर कोई पेंटिंग फॉर्म में बना सकते हो। तो दोस्तों, बिना किसी देर के चले ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपने गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने लिखना है कैप कट। यहाँ पे दोस्तों जो पहला लिंक आएगा उस पर आपने क्लिक कर लेना है। दोस्तों कैप कट बहुत ही फेमस वीडियो एडिटिंग टूल है, जो कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है और जिसका सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, ऐप भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम कैप कट के AI टूल को यूज करेंगे, जो कि आपने लेफ्ट साइड आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है मैजिक टूल्स, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने इमेजेस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देखें आपको काफी ज्यादा टूल्स नजर आ रहे हैं, यहाँ आपने इमेज वाले पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा ये इमेज स्टाइल ट्रांसफर लिखा हुआ है, इस टूल को हमने यूज करना है। तो दोस्तों कैपकट के जो अदर AI टूल है उनके रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई है, टेक्स्ट टू इमेज और इमेज टू इमेज, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप तो आप इन वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इमेज स्टाइल ट्रांसफर पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है, जहाँ पे आपने यहाँ पे आप अपलोड इमेज अपनी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने राइट साइड पे देखिएगा ये आपके पास तीन स्टाइल्स नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी इमेज को अपलोड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको स्टाइल्स के रिलेटेड बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों मैंने एक ये वेबसाइट है lumi.ai, इस पे आपको फ्री AI स्टॉक इमेजेस मिल जाती है, आप इनको यूज कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक इमेज को ओपन किया हुआ है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि मैं इसके स्टाइल्स को कन्वर्ट करके आपको डेमो दिखा सकूँ। तो दोस्तों मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। तो दोस्तों मैंने इमेज को डाउनलोड कर लिया था, मैं यहाँ से इमेज को अपलोड कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास तीन स्टाइल्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे मांगा है पहला स्टाइल, दूसरा है हांगकांग कार्टून और तीसरा है ऑयल पेंटिंग। पहला जो है वो इसको इलस्ट्रेशन में बदलेगा, सेकंड वन जो है वो कार्टून में, थर्ड वन ऑयल पेंटिंग में तब्दील करेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देता हूँ, ट्रांसफर पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये इस रियलिस्टिक इमेज को इलस्ट्रेशन में तब्दील कर देगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों जनरेटिंग लिखा हुआ आ गया है, तो ये थोड़ी ही देर में आपको इमेज को कन्वर्ट करके दिखा देगा। तो दोस्तों ये देखिएगा ये बहुत ही ऑसम किस्म की इलस्ट्रेशन बन गई है, जो कि जैसे कि आपका दोस्तों ये वेक्टर स्टाइल होता है या इलस्ट्रेशन होती है, उसी तरह की इमेज उसने जनरेट करके दे दी है। तो मैं यहाँ पे जस्ट इसको दोस्तों डाउनलोड भी कर सकता हूँ, फुल स्क्रीन करके आप चेक कर सकते हैं या आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास ऊपर एक टूल है जिसके ऊपर आप क्लिक करके अपनी ओरिजिनल इमेज को दोबारा आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, तो ये देखिएगा दोस्तों ये ओरिजिनल इमेज थी और ये हमारे पास इलस्ट्रेशन उसकी उसने क्रिएट कर दी। तो दोस्तों मैं इसको डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं इसको दोबारा से ओरिजिनल वाली फॉर्म में ले आता हूँ। अब मैं इसको ट्रांसफर करता हूँ हांगकांग कार्टून में, तो ये कार्टून टाइप ये इमेज एक बन जाएगी। इससे आप इस टूल की मदद से दोस्तों आप अपनी किसी भी इमेज को जो है वो सोशल मीडिया पे लगाने के लिए आप कार्टून इमेज में तब्दील कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफर पे क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये देखिएगा उसने इमेज को कार्टून इमेज में तब्दील कर दिया है। ये देखिएगा मैं आपको ओरिजिनल इमेज चेक करवाता हूँ, ये उसी की कार्टून इमेज उसने दिखा दी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक करके दोबारा से ओरिजिनल वाली इमेज देख लेता हूँ और मैं अब इसको कन्वर्ट करता हूँ ऑयल पेंटिंग में। तो ऑयल पेंटिंग में हम देखते हैं कि किस तरह का रिजल्ट आता है। तो दोस्तों ये इमेज जनरेट हो गई है, लेकिन कोई मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको इमेज को यूज भी कर सकते हैं। तो मैं इसको डाउनलोड पे क्लिक कर लेता हूँ, ये हमारी ओरिजिनल इमेज है और ये दोस्तों देखिएगा उसी की ऑयल पेंटिंग वर्जन उसने शो किया है। अभी दोस्तों मैं एक और इमेज को आपको स्टाइल्स को कन्वर्ट करके शो करवाता हूँ। इसी तरह से दोस्तों एक दो और इमेजेस भी हैं, उनके भी स्टाइल को मैं आपको कन्वर्ट करके चेक करवाता हूँ। इसी तरह से दोस्तों ये देखिएगा ये कैट है, तो यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले फर्स्ट स्टाइल में कन्वर्ट करके आपको चेक करवाता हूँ। दोस्तों ये देखिएगा ये इलस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो चुकी है, यहाँ पे देखिएगा ये ओरिजिनल है और ये उसके इलस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट मैं आपको स्टाइल इसका शो करवाता हूँ। नेक्स्ट दोस्तों ये कार्टून स्टाइल में मैं इसके आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा दोस्तों ये ओरिजिनल है और ये उसकी कार्टून लुक है। इसी तरह से दोस्तों देखिएगा ये उसकी पेंटिंग वाली लुक है, ये ओरिजिनल है और ये उसकी पेंटिंग वाली लुक। इसी तरह से दोस्तों एक और इमेज है, ये एक लैंडस्केप है, तो मैं इसको भी आपको कन्वर्ट करके चेक करवाता हूँ। दोस्तों इन इमेजेस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों ये देखिएगा उसने इमेज को इलस्ट्रेशन में कन्वर्ट कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उस तरह। उसके बाद दोस्तों सेकंड स्टाइल है हमारा कार्टून स्टाइल, उसमें भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा दोस्तों ये कार्टून लुक है उसकी। और लास्ट में दोस्तों देखिएगा ये इसकी ऑयल पेंटिंग है, तो ऑयल पेंटिंग मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही स्टाइल में। तो दोस्तों अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में।